खरगोन जिले में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भूमि पूजन करने पहुंचे मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाना करनी सेना कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद कोतवाली पर हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। जानकारी अनुसार सुबह 6 बजे उन्हें जेल से रिहाई दे दी गई थी। करनी सेना एवं समाजजनों ने गिरफ्तारी के विरोध में थाने का घेराव कर दिया। समाजजनों ने नारेबाजी करने के बाद रिहाई की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। शाम 6 बजे से समाचार लिखे जाने तक रात 11 बजे तक धरना जारी रहा। प्रदर्शन के दौरान शिवराज सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है जैसे नारे लगाने के बाद हनुमान चालीसा पाठ भी किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे। एएसपी तरुण सिंह बघेल ने बताया कि सीएम के काफिले के दौरान प्रदर्शन करने पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें एसडीएम न्यायालय पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर भी खरगोन पहुंच गए हैं। रात भर से सैकड़ों करनी सेना के कार्यकर्ता कोतवाली थाने में धरने पर बैठे थे। एएसपी तरुण सिंह बघेल को ज्ञापन सौंपने के बाद धरना समाप्त हुआ है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने बताया कि खरगोन पहुंचने पर गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को छोड़ा है, पूरे प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के खिलाफ करनी सेना विश्वासघात करने को लेकर ज्ञापन देगी। आज खरगोन से शुरुआत हुई है। भोपाल में आंदोलन के दौरान 18 मांगे पूरी करने का लिखित में आश्वासन दिया था। करनी सेना झूठे वादे और विश्वासघात को लेकर 420 के तहत सीएम और सहकारिता मंत्री पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन अभियान चलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। आज वीआईपी सुरक्षा में मोटर कैट के सामने आ जाने के कारण 5 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन और कर्मचारियों के साथ झूमा झटकी के कारण इनको हिरासत में लिया गया है, जिन्हें धारा 151 जाब्ता फौजदारी में गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय पेश किया गया और एसडीएम न्यायालय से उन्हें जेल भेज दिया गया। क्या मांग है सर? ये उनको छुड़वाने का मांग है और न्यायालयीन प्रक्रिया है, जो जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो कार्रवाई हो। सर, एक पूछना था, पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज खरगोन में पधारे थे हमारे, उनके विरोध में करनी सेना ने काले झंडे दिखाए तो गुनाह कर दिया, इसलिए बच्चों को जेल में बंद कर रखा है। उसी के विरोध में यहाँ करनी सैनिक पूरे इकट्ठे हुए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग सिर्फ ये है कि हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाए। जो हमारे करनी सैनिक है, उन्होंने कोई ऐसा जघन्य अपराध नहीं करा है कि उनको जेल में रखा जाए। हम चाहते हैं कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। पुलिस को जागृत के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा गया? हाँ बिल्कुल, वो सब चीज करनी पड़ती है क्योंकि प्रशासन 8 जनवरी को एक बहुत बड़ा करनी सेना का एक आंदोलन हुआ था भोपाल में, जिसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारी सभी जो बातें थी मान ली गई थी, लेकिन बाद में वो सारी मांगों को रद्द कर दिया गया। उसी के संदर्भ में पूरे मध्य प्रदेश में मतलब विरोध, शिवराज सरकार का विरोध चल रहा है, उसी के चलते काले झंडे दिखाए थे। 5 बजे ममता जीतन सिंह सोलंकी, प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना परिवार। थाने प्रदर्शन चल रहा था, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आप किस प्रकार की इसमें? जैसे ही हम पहुँचे यहाँ पर 8 बजे उनको छोड़ दिया गया है, अभी वो सब लोग बाहर हैं। पर कहीं ना कहीं सरकार हमें ऐसा महसूस करा रही है जैसे आज भी हम गुलाम हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में जी रहे हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ विश्वासघात किया, 11 जनवरी को हमको लिखित में लेटर दिया और उनकी बातों से वो पलट गए, तो हम उनसे जवाब पूछ रहे हैं कि आपने ये मांगे पूरी क्यों नहीं करी, और नहीं करना थी तो लिखित में क्यों दिया? और यदि ये पूछना और अपना विरोध दर्ज कराना लोकतांत्रिक तरीके से गलत है, तो फिर तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी 420 के तहत मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उनने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उनने हमें धोखे में रख के हमारा आंदोलन समाप्त किया है। अगली क्या रणनीति रहेगी अब आप लोग? अब हम पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री जी पर 420 के FIR करवाने के लिए ज्ञापन देंगे, तो उनने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। आपने यहाँ आज भी यहाँ भी
खरगोन से शुरुआत करिए। यहाँ हमने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ज्ञापन दिया है कि उनके ऊपर 400 BC लगाई जाए, मुख्यमंत्री जी और अरविंद सिंह जी भदौरिया के ऊपर, क्योंकि उनने हमारे साथ छल किया है। उनने लिखित में हमको दिया कि हम मांगे पूरी करेंगे, उनका वीडियो भी है और जो लिखित में दिया था वो भी संलग्न किया हमने प्रतिलिपि, तो उन्होंने एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की है और हमें धोखे में रखा है। क्या क्या मांगे थी आप? हमारी 22 सूत्री मांगे थी, उनमें से 18 मांगे इनने पूरी करी थी। तो कितनी, 4 ही मांग रहे थी? नहीं, 18 पूरी करी थी, पूरी हुई नहीं है, उनने खाली घोषणाएं करी थी और लिख के दिया था कि हम इनको पूरा करेंगे। क्या नाम लिखते हैं पूरा? जीवन सिंह शेरपुर, करनी सेना प्रमुख। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।